पहला लाभ है उत्पादन एवं कार्य निष्पादन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सूचनाओं की जानकारी। देखिए, जब कभी भी आधिकारिक वर्ग को कर्मचारी वर्ग से किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक मिल रहा है या किसी भी प्रकार का कोई संचार हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उत्पादन एवं कार्य निष्पादन की स्थिति उत्पन्न होगी। कैसे? देखिए, ऑफिस में कोई काम हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि ऑफिस में जो मेन काम जो कर रहे हैं, सब काम को देख रहे हैं, मेंटेनेंस हो, किसी प्रकार का काम हो, सारे सारे कर्मचारी वर्ग ही देखते हैं, ये सब वर्ग के लोग देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ऑफिस में बोला गया, भाई एचआर ने बोला कि रिक्रूटमेंट की जरूरत है, ठीक है, रिक्रूटमेंट चाहिए हमें। अब क्या रिक्रूटमेंट वो अपने कर्मचारी वर्ग में बोल देगा कि भाई रिक्रूटमेंट कर लो, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, काम में थोड़ी क्वालिटी कम आ रही है, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए इस फील्ड में। मान लो किसी फील्ड में बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई किसी इंजीनियर की जरूरत है हमें, इंजीनियर की जरूरत तो उसने बता दी। अब क्या होगा, सूचना की जानकारी अधिकारी को तो गई नहीं, अब टाइम निकल गया, बात हुई, अधिकारी ने पूछा भाई क्या हुआ, काम में तुम्हारी क्वालिटी नहीं है, वो बोलेगा सर एक इंजीनियर की जरूरत थी। अच्छा, कब से जरूरत थी? बोला सर मैं तो साल भर से बोल रहा था एक इंजीनियर की जरूरत है, काम और अच्छा हो जाएगा। बोलेगा भाई साल भर से मेरे पास तो कोई जानकारी आई नहीं, बोला किसको, तो क्या बोलेगा कि सर मैंने तो यहाँ पर अपने जो साथी उनको बोला था, किसी को आपको बताया नहीं। कहेंगे बहुत मूर्ख आदमी है भाई, क्या एचआर का डिपार्टमेंट आपका है तो आप ही तो बताओगे कि रिक्रूटमेंट चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, ठीक है। बोलेगा हाँ बात तो सही सर। तो क्या होगा, इसने जानकारी नहीं दी और जानकारी ना देने की वजह से उत्पादन की क्षमता जो थी वो घट गई, यानी कि कंपनी जो प्रोडक्शन कर सकती थी एक साल में उसका कम हुआ। मान लीजिए वो एक साल में पहले कुछ 1000 प्रोडक्ट बना रही है, अब उनको लगा अगर इंजीनियरिंग सुधार ली जाए तो प्रोडक्ट 1200 पहुंच सकते हैं, तो 200 का जो प्रोडक्शन बढ़ सकता था वो घट गया। तो बॉस क्या बोलेगा, बोले यार अकल ही नहीं रही तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल, हाँ बता नहीं सकते थे हमें कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हम बताते तो हम शुरू करते उसको। तो यह क्या है कि किसी प्रकार की समस्या होगी उसकी सूचनाओं की जानकारी भी एक प्रकार से दी जा रही है, इसमें उत्पादन की क्षमता और उसका निष्पादन, कार्य निष्पादन हो रहा है। अब यहाँ पर आधिकारिक वर्ग आके खुद बोल सकता है, देखिए खुद भी बोल सकता है आकर के कि बताइए भाई, कंडीशन हो सकती है ना, बॉस आते हैं कभी कभी राउंड पे, राउंड चल रहे हैं, हाँ भी बताइए क्या समस्या है यहाँ पर। अब क्या हुआ, अधिकारी को देखा और जो एम्प्लॉई है उसका मनोबल ही नहीं रहा कि वो बॉस को अपनी समस्या बता सके। देखा यार बॉस तो खतरनाक लग रहा है, लग रहा है बीबी से लड़के आया है, समस्या नहीं बताई। अब वो लड़के आया है नहीं आया भाई, तो बॉस की प्रॉब्लम है ना, वो बॉस अपने आप देखेगा उस प्रॉब्लम को, ठीक। लेकिन क्या ऐसा आप लोग समझते हैं, बहुत कम। क्या देखा भाई बंदे का मूड ख़राब है, बोला आज शांति रहो कल बता देंगे, अब कल बता कर भूल गए, कल बॉस ने पूछा ही नहीं आकर के। तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपने जानकारी नहीं दी और उसके बाद आपने अगर बोला कि सर ये कमी है, तो बॉस आपसे क्या बोलेगा कि अच्छा कल मैं पूछने आया था, कल आपने क्यों नहीं बताया इस कमी को। बोलेगा सर कल मैं थोड़ा डर गया। बोला अच्छा, आपको यहाँ डरने की सैलरी दी जा रही है, तो आप यहाँ पर आकर डरो, ठीक है, और सैलरी लो डरने की, और हमारा काम तो बाहर वाला कर देंगे। तो क्या होगा, फिर वही बात हुई, उत्पादन क्षमता घट गई और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन था वो नहीं हो पाया। तो एडवांटेज क्या है, जब भी अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा तो उसके लाभ होंगे कि उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती है, जिससे क्योंकि कर्मचारी वर्ग अपनी जो ज़रूरतें हैं उनकी जानकारी आधिकारिक वर्ग को दे सकते हैं कि सर ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और इसको ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने अदर लाइफ में भी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो मुखिया उन्होंने डिसीजन क्या लिया, क्या सोचा, क्या विचार किया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हालांकि बेटे का मन ना हो इंजीनियरिंग करने का, वो तो राइटर बनना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, राइटर,
लेकिन जो मुखिया है थोड़ा खुले दिमाग का इंसान है भाई, हो सकता है खुले दिमाग का हो या बंदे दिमाग का भी हो सकता है, आप कुछ भी ले लो, इमेजिन कुछ भी कर लो, अपने घर की स्थिति इमेजिन कर लो, तब क्या होगा, आप खुद से बता दोगे ना कि भाई मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, मैं तो नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो क्या होगा, कम से कम आपके जो मुखिया आपसे पूछेंगे सी तो बता दे भाई क्या करना है, बताओ, ये बताएगा जी मुझे राइटर बनना है, मेरा इंटरेस्ट है, क्या ठीक है फिर राइटर बन जाओ, करो राइटिंग, तब क्या हुआ, नीचे के स्तर से फिर वही चीज़ गई, नीचे के स्तर से ऊपर की तरफ कम्युनिकेट हुआ, ठीक है, संचार का एक माध्यम हुआ, जिससे क्या हुआ, एक सुविधाजनक स्थिति बनी, ठीक, उत्पादन की क्षमता बढ़ी, कार्य निष्पादन हुआ, सूचना को जानकारी प्रदान हुई। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है, अब इसमें कौन कौन सी आएंगी, देखिए सबसे पहले तो इसमें है एक बाजार की स्थिति, इसको एचआरटी करके ऐसे लिख लेते हैं, बाजार की स्थिति, ठीक, अगली हम कह सकते हैं इसमें ग्राहकों की अभिरुचि, अगली आ गया इसमें प्रतिस्पर्धा, ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि आधिकारिक वर्ग जो है आपका, ठीक, और फिर कर्मचारी वर्ग, आधिकारिक वर्ग को नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, ठीक, बस काम क्या ऑफिस है, ऑफिस संभाला नहीं संभाला, जो एम्प्लॉय रखे हैं वही तो चीज़ें वो बताएंगे ज़्यादातर, अब कर्मचारी वर्ग क्या करेंगे, बाजार की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, नहीं बताएंगे उसको, ठीक है, डरते हैं अपने बॉस से, ग्राहकों की अभिरुचि क्या है और प्रतिस्पर्धा कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, अब सोचिए अगर इन सब चीज़ों की जानकारी सही सही बॉस के पास ना हो, ठीक, तो बॉस कैसे अपना डिसीजन लेगा, समझ रहे हो ना, अब मान लिए बाजार की स्थिति, अभी जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, ठीक है, उसके जो उसकी जो स्थिति है वो अच्छी है कि लोग 100 में से 80 लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, यानी कि 20 लोग नहीं खरीद रहे, 20 का डिफरेंस आ गया, 20 लोग नहीं खरीद रहे, अब अधिकारी ने क्या करा, कर्मचारी को बोला कि 20 लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति बताओ जिससे 20 लोग भी इंटरेस्टेड हों हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, अब क्या किया कर्मचारी ने, बात तो सुन ली, मीटिंग होगी बड़े जोश शोर में सुन लिया, हाँ सर बिल्कुल सर, ओके सर, शाम तक बता देंगे सर, ठीक है, बोलते ना बॉस इज ऑलवेज राइट, दिमाग में बना हुआ है कि भाई जब तक आप कंपनी में यस यस करोगे तो ठीक है, जिस दिन आपने नो कहा आपने घर बैठो, ऐसी कंडीशन होती है बहुत सी कंपनियों में, तब क्या होता है स्थिति कि कर्मचारी वर्ग ने बोला कि भाई 20 है, ठीक है, उन्हें कहाँ बात की कि 20 लोग हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदे, इसकी स्थिति बताओ, किसी ने भी रिपोर्ट दी ही नहीं कि बाजार की स्थिति क्या हो, रिपोर्ट ही नहीं दी, अब मान लीजिए कि मेकअप का सामान बेच रही है कंपनी, ठीक है, सपोज दैट मेकअप का सामान बेच रही है, अब मेकअप के सामान के लिए बोला कंपनी ने कि भाई मेकअप का सामान है आपको सेल करना है, सेल्समैनों को रोज कंपनी लताड़ रही है, आ जाओ दिन पर दिन तुम्हारी प्रोडक्शन घटती जा रही है, फलाना ढिमकाना क्या हो रहा है ये वो, अब बोलेगा सर बारिश का मौसम है, ठीक है, शादी का सीज़न नहीं है, तो मेकअप चले चले कितने कैसे चले, इक्का दुक्का कोई लड़की है जो खरीद लेती है, ठीक, तो मार्केट में तो डाउन होगा नहीं स्थिति उसकी मेकअप की, अब क्या होगा, शादी की कंडीशन आई, शादी का सीज़न आ गया, ठीक है, सर्दी का मौसम भी है, गर्मी में मेकअप चलता है, तो शादी का मौसम आती मेकअप बहुत तेज़ से उठेगा, ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो बॉस क्या कहेगा, कहेगा अब तो यहाँ पे 90 हो गया, देखिए कर्मचारी ने अब तक तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन मौसम की वजह से एक बदलाव की वजह से क्या हुआ, 90 10 लोगों ने और खरीदा, तो यहाँ बचे कितने, 10 बच रहे हैं यहाँ पे, अभी 10 लोग जो बच गए, बॉस ने बोला यार इन 10 लोगों को कुछ करो ना, 10 लोगों को क्यों आप छोड़ रहे हो, अब कर्मचारी वक्त तो अभी बैठे हुए वो कह रहे हैं यार हमने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं, हमें क्या पता 10 कहाँ से आ गए, लेकिन कर्मचारी वर्गों को पता है 10 कहाँ से आए,
अब उन्होंने क्या काम कर दिया, शादी के पूरे साल चलती हैं नहीं, ठीक, शादियां ख़त्म हुई, दो तीन महीने का सीज़न ख़त्म हुआ शादियों का, मार्केट फिर से डाउन हो गई मेकअप की, अब की बार इतनी डाउन हो गई कि कंडीशन आ गई 70 पे, 70 लोगों ने खरीदा और 30 ने नहीं खरीदा 100 में से। तब बॉस क्या, बॉस तो टेंशन में आ गया, अब बॉस डेली बुला रहा, आ जाओ डेली मीटिंग हो रही है, खूब समझा रहा है बॉस, ऐसे सेल करो वैसे सेल करो, लेकिन कर्मचारी वर्क तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, बॉस आ गया, सबकी नौकरियाँ खा जाऊँगा, सीधा बोल दिया कि इतनी सेल डेली नहीं दी तो नौकरी खा जाऊँगा भाई तुम्हारी। अब नौकरी खाने से स्थिति आ गई तो कुछ कर्मचारी होंगे जो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे कि सर शादी का सीज़न होता है तो मेकअप बिकता है, अपने घर को ही ले लीजिए, क्या रोज़ आपके घर में लोग मेकअप लगाते हैं, मेकअप करते हैं, परफ्यूम डियो वगैरह रोज़ छिड़कते हैं, ठीक है, जो घर में रहने वाले इंसान है क्या वो करते हैं, बाहर वाले तो फिर भी कर लेंगे कि बाहर जाते रोज़, घर में वाले करते हैं। तो बॉस को क्या हुआ, समझ में आएगा कि हाँ समस्या क्या है, ठीक। अब अगर आप इस तरह से बॉस को समझा दो कि सर समस्या ये है, सीज़न ही नहीं है अभी तो मेकअप बिके तो बिके कैसे, अब क्या हुआ, अब बॉस को बता गया अभी 70 आ रहा तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये कभी 80 आ गया 90 आ गया ठीक है तो भी इनका कोई रोल नहीं है उसमें, ये अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सूचना मिल गई एक बॉस को, किसकी, बाजार की स्थिति की सूचना मिल गई कि भाई बाजार किस में खुश है, बाजार की कंडीशन क्या है, बाजार क्या चाहता है, वो स्थिति मिल गई। अब बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। अब अगली कंडीशन में क्या है कि ग्राहकों की अभिरुचि, अब फिर से इसमें देखते हैं कि एक प्रोडक्ट ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए फोक का डियो बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है, कहते हैं ना क्या चल रहा है आजकल, फोक चल रहा है जी, तो फोक का डियो लेकर के हम कर लेते हैं डिस्कशन छोटा सा। अब फोक के एक और डियो आया था ना, वो आया था 18 प्लस करके कुछ, ठीक है 18 प्लस, ये जो डियो 18 प्लस, देखिए फोक की कंपनी और 18 प्लस की कंपनी दोनों कंपनियां एक ही हैं, ठीक, दोनों कंपनियां एक ही हैं, दोनों का मालिक एक है, लेकिन कंडीशन क्या हुई कि एक तरफ फोक है आपका और एक तरफ 18 प्लस है, फोक का मार्केट दिन पर दिन बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, और जो ये है इसका मार्केट दिन पर दिन कम हो रहा है, ठीक है, रोज कम हो रहा है, रोज कम हो रहा है, रोड डाउन हो रहा है, रोड डाउन आ रहा है। क्या हुआ, बॉस ने बोला कर्मचारियों को ये कैसी कंडीशन आपने ला दी, काम हो रहा है नहीं हो रहा, लगता है फोक वाले तो काम कर रहे हैं लेकिन 18 प्लस वाले तो काम ही नहीं कर रहे, प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, कंपनी एक ही है प्रोडक्ट दो हैं, क्या किया इसने, चेंजेस करने की कोशिश की, कर्मचारियों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, चेंजेस कर दिए कंपनी ने, क्या किया 18 प्लस को जो बेचने वाले एम्प्लॉय हैं उनको बदल के उसने फोक में डाल दिया और फोक वालों को डाल दिया कहाँ 18 प्लस में, बोले ये लोग अच्छे हैं ये करके दिखाएंगे, देखो तुम ध्यान से देखना कि कैसे फोग वाले 18 प्लस को बेचते हैं। फोग वाले गए मार्केट में बेचने कोशिश किया 18 प्लस को, सर 18 प्लस ले लो, बोला पागल है यार, कस्टमर मांगते नहीं पूछता नहीं, रखा हुआ देख ले, 6 महीने पहले तेरा साथी देखा गया था तब रखा हुआ दुकान में, बिका ही नहीं मेरा माल, कैसे ले लूँ। फोग वाला गया, सर कुछ चाहिए, अबे हाँ भाई एक दर्जन फोग दे जा, रोज ग्राहक वापस जा रहे हैं। अब क्या हुआ, कंडीशन बदल गई, अब जो पहले काम नहीं करता वो काम कर रहे हैं, वो उसकी नजरों में, और जो काम कर रहे थे वो नहीं कर रहे, चेंज हो गई कंडीशन, कंडीशन बदल गई। अब यहाँ क्या देखने को मिला, अब अधिकारी कहेगा यार अब ये हरामखोर हो गए, ये काम नहीं कर रहे ठीक से, ठीक, फिर मीटिंग बुला लेगा, वो बुलाकर पूछा भाई अब तुम लोगों का प्रॉब्लम हो गई, तुम लोग ज़्यादा सर चढ़ गए हो, समझ रहे हो, कहते ना ज़्यादा सर चढ़ गए हो तुम लोग जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, फोक में तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया, हवा लग गई, तारीफें कर तुम्हारे इसलिए, और उन लोगों को डांट पड़ी, बॉस को तो ये लगेगा ना कि उन लोगों को 18 प्लस को बेचने में डांट पड़ी इसलिए वो फोक ज़्यादा बेच रहे हैं, करेक्ट है, तो वो उनको भी डांटेगा कि इनको डांटना पड़ेगा, यानी कि बॉस के दिमाग में क्या एक अवधारणा आ जाएगी कि समय समय पर कर्मचारियों को खुराक मिलती रहनी चाहिए जिससे कि वो काम करते रहें, लेकिन मार्केट की कंडीशन कोई नहीं बता रहा। अब मीटिंग जब ज़्यादा हद पार होगी तो कोई बोल देगा म्यूट करके कि सर जो ग्राहक हैं कस्टमर जो है उनकी अभिरुचि जो है वो फोक को खरीदने में है, 18 प्लस को कोई पसंद ही नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं तो सर आप ही खुद जाकर देख लीजिए मार्केट में, कभी कभी होता ना बॉस नहीं मानता रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है एक बिक रहा दूसरा कैसे नहीं बिकेगा, तो
सीधा सर आप चलकर देख लीजिए, बॉस भी क्या होगा, बॉस को एक अच्छी जानकारी आपने दी, हो सकता है बॉस जाए फील्ड पे वेरीफाई करे कि भाई क्या चल रहा है, प्रोडक्ट मार्केट बिक रहा नहीं बिक रहा, ठीक है। और कभी देखा आपने 18 प्लस का ऐड ऐसा आया हो कि 18 प्लस ने ऐड किया हो कि भाई आजकल 18 प्लस चल रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, जिसका ऐड ज़्यादा करोगे वो ज़्यादा बिकेगा भी। तो कर्मचारियों ने क्या किया, एक जानकारी दी किसकी, ग्राहकों की अभिरुचि की जानकारी, सर ग्राहकों की डिमांड ये है, ठीक है। और जब ग्राहकों की डिमांड के बारे में बता दिया तब वो समझ गया कि गलती किसी की भी नहीं है, अब वो क्या करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। सॉल्यूशन किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे तो ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, या फिर क्या बोलेगा कि अब दोनों को आप मिक्स करके काम करोगे, मतलब एक बंदा ही फोग भी बेचेगा और वो 18 प्लस भी बेचेगा, इससे क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी बरकरार रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो 18 प्लस वाला वो तो बेच ही नहीं पा रहा कुछ भी, अब क्या होगा, दोनों बेचेंगे, मिला कर बेचो तो इक्वलिटी चलेगी। सॉल्यूशन दिया कैसे दिया, जब कर्मचारियों ने, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, कर्मचारियों ने अधिकारी को बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, इस पर भी ध्यान दो, ये मत सोचो कि हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आती है एक और कंडीशन, कॉम्पिटिशन की। अब देखो कॉम्पिटिशन की कंडीशन में क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। इसमें जो अधिकारी वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग क्या कहेगा, भाई ऐसा है बाजार में बहुत कॉम्पिटिशन है, आप लोगों को ज़्यादा घंटे काम करना होगा, ऑर्डर दे दिया, बहुत तेज़ी से ऑर्डर दे के निकल गया। कर्मचारी बोलेंगे भाई ऑर्डर दे दिया लेकिन प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, कंपटीशन करे तो करे कैसे सामने वाली कंपनी से, अब कंपटीशन के लिए हम कुछ भी निकाल लेते हैं एक, ठीक है। एक जगह मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का फ़ोन है, ठीक, यहाँ पे फ़ोन की बात कर लेते हैं, ये फ़ोन है। और एक जगह में किसका ले लेते हैं, छोटा मोटा कोई चाइना कंपनी का ले लीजिए यार, चाइना कंपनी, ठीक है, चाइना कंपनी का फ़ोन है यहाँ पर, इनके फ़ोन बड़े बड़े से होते हैं ऐसे, स्पीकर स्पीकर लगा हुआ, ये डिज़ाइन में से बने होते हैं, तो एक फ़ोन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एप्पल का फ़ोन देखते ही मार्केट में हलचल मचाएगी, खरीदने का मन करेगा लोगों का, वर्ल्ड में पूरे के पूरे, ठीक है। क्या चाइना वाले प्रोडक्ट को कोई खरीदना चाहेगा, उसे पता है भाई यार पता नहीं, खरीदते ही ख़राब ना हो जाए, करेक्ट है ना, खरीदते ही ख़राब ना हो जाए। हालांकि चाइना अपने लिए एक ब्रांड बना रहा है, उसका एक अपना ब्रांड है, वो उसकी वहाँ की बात है, वहाँ जो मर्जी चलाता रहे वो, लेकिन और लोग कितना ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर सब जानते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जो एप्पल कंपनी का जो फ़ोन है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कंपनी वाले, चाइना वाले क्या बोल रहे हैं, ये वाले बोलेंगे, यहाँ वाले जो बॉस है वो एम्प्लॉय से बोलेंगे अपने कर्मचारी से कि भाई ऐसा है मुझे नहीं पता, जितने फ़ोन एप्पल वाले बेच रहे उतने तुम्हें बेचने हैं, ठीक। ये कहेंगे भाई ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, अब संभव कैसे हो सकता है, दो तीन चीज़ हो सकता है। ये मान लीजिए अपना फ़ोन 10,000 का बेच रहे हैं, ठीक है, और इनका फ़ोन भी 10,000 का है, तो 10,000 में कौन कौन सा फ़ोन लेगा, जाहिर सी बात है यार एप्पल ही पकड़ेगा इंसान, क्यों पकड़ेगा उसे। अब इन्हें क्या किया, इन्हें रेट घटा दिया, इन्हें बोला कि मैं एक काम करूँ मैं 7,000 में दे दूँगा अपना फ़ोन, ठीक है, इन्हें 7,000 कर दिया रेट घटा दिया कि मैं 7 में दूँगा, अब भी 3,000 का फ़र्क कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या कॉम्पिटिशन को देखते हुए बना रही चीज़ें, अब कॉम्पिटिशन की जानकारी कैसे मिलेगी, ये भी कर्मचारी वर्ग ही देगा एक प्रकार से, ठीक है, बॉस को कि सर मार्केट में ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है, समय के साथ बदलो चेंज करो, अगर समय के साथ बदल के चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाओगे, पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप देखते रह जाओगे। ये बोले अच्छा ऐसी बात है, अच्छा वह आपने बता दिया, हमें तो पता नहीं लगता, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। अच्छा जी ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो हमने आपको जानकारी दे दी और आप कर लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तीन प्रकार की सूचना जो है, ठीक है, बाजार की स्थिति, ग्राहकों की अभिरुचि और प्रतिस्पर्धा, ऐसी स्थितियों से मिला करके एक सूचना क्रिएट हुई। सूचना किस चीज़ की, बांटने की, ठीक है, आपस में चीज़ों को बांटने की, साझा करने की एक सूचना इकट्ठी हुई। और सूचना के माध्यम से इस सूचना को हम लाभ के संदर्भ में देखेंगे, क्या, क्योंकि लाभ कैसे हुआ, कर्मचारी वर्ग से अधिकारी वर्ग को सूचना गई और उसने उसका लाभ उठा करके मार्केट में अपनी स्थिति को बनाए रखा, ठीक है, कॉम्पिटिशन स्थिति को बनाए रखा। तो ये भी एक सूचना का माध्यम होगा, सूचना के लाभ हो गए अपवर्ड कम्युनिकेशन में। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, अच्छे मधुर और मानवीय संबंध, ठीक है, इनकी बात चल रही है। अब ये कैसे क्रिएट होंगे, इसका एक लाभ कैसे है, जब जब स्थिति आएगी अधिकारिक वर्ग की,
कर्मचारी वर्ग के साथ, ठीक। और कम्युनिकेशन ऐसे होगा, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका बॉस, ठीक है, जो भी बॉस है वो आपकी बात को सुन रहा है, तवज्जो दे रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, तब क्या हुआ? आप खुद से बोलोगे यार आपका बॉस बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सही आदमी है, सब चीज़ सुनकर तब फैसला लेता है, ठीक है। मतलब हर तरह से आपको पता जाएगा कि आपका बॉस का नेचर कैसा है। इससे क्या होगा, कल को कोई आपके बॉस को बुरा भला बोलेगा, अरे यार तुम्हारा बॉस थोड़ा बेकार वगैरह, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, हम नौकरी करते हैं यहाँ पर, हमने जाना उनको, हम जानते हैं कितना अच्छा आदमी है, हमें पता है हमारी जरूरतों को ध्यान रखता है, हमसे बातचीत करता है, हमारी समस्या को पूछता है, सॉल्यूशन भी देता है, ऐसा बॉस है हमारा, तुम्हें पता है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या हो रहा है, अच्छे और मधुर और मानवीय संबंधों का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो ये अधिकारी है ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा बिना वजह का। बिना वजह का डिफरेंस कैसे होता है? देखिए एक तो सिंपल है कि वो व्यवहारात्मक होता है, ठीक है, ये इसको हम सामाजिक भी बोल सकते हैं, व्यवहारात्मक बोल सकते हैं, या फिर स्वभावात्मक भी बोल सकते हैं। कैसे? कि अधिकारी जो है उसकी एक अपनी मान मर्यादा गरिमा और ऐसे ही कर्मचारी की भी है। अब ये दोनों आपस में क्या एक साथ ऑफिस टाइम पर, सोचिए ऑफिस टाइम पर, मान लीजिए ड्राइवर है आपका, ठीक है, ड्राइवर के साथ में आप कहीं जा रहे हो और ड्राइवर से आप हर रोज ऐसी बात कर रहे हो, और क्या हाल है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे कोई नहीं बैठ जा चलिए, वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंक, जैसे आपका फ्रेंड है, जैसे आपका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वैसे आप ड्राइवर के साथ में हो गए। तो दिन ड्राइवर क्या करेगा, अरे यार एक काम कर गाड़ी यार तू चला, मैं बैठ रहा हूँ पीछे, ऐसा हो जाएगा ना, एक संबंध का बिखराव हो जाएगा, जो जिसकी स्थिति है उसका बिखराव हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे संबंधों का मतलब क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर होगा कि जो आपका ड्राइवर है, ठीक है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी क्या समस्याएं हैं उसको सुनना, उसको समझना, उसकी ज़रूरतें क्या हैं उसको समझना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, जिससे कि वो अपने काम को उचित रूप दे सके। क्योंकि जब वो अपने काम को एक उचित रूप दे देगा, एक उचित स्थान दे देगा, उसके बाद वो समझ उसको समझ में आएगा कि हाँ उसका बॉस उसका तो अच्छा कर रहा है, ठीक। अब देखो सैलरी तो और कुछ देता है, अब मान लीजिए कर्मचारी है उसको सैलरी मिल रही है, एक सैलरी तो मिल रही है, लेकिन इस सैलरी के बदले में वो बॉस जो है वो उसकी पूरी तरह से वाट लगा रहा है, उसकी बात नहीं सुनता, ठीक है, उसको रोज़ गाली देता है कि जब देखो तब दिमाग की दही करता है, कुछ काम नहीं करता, फलाना ढिमकाना, या फिर एक गैप क्रिएट करता है। कैसे? मान लीजिए एक ऑफिस का प्योन है, चपरासी जो हो गया, ठीक है, एक चपरासी हो गया, और उसके बाद में एक हो गया कोई ड्राइवर हो गया, अरे ड्राइवर चपरासी का जो वर्ग हो गया, इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए आप ड्राइवर को प्योन को बोलो ऑफिस चपरासी, चल भाई चल जा मेरी गाड़ी धो देना, ये कर देना, वो कर देना, वो सब क्या है, एक अलग से नक्सरी काम, फिर उसको वो आपका काम भी कर रहा है, लेकिन आप उसकी कोई रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं कर रहे हैं। भाई जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट आपकी अधिकारी बने, क्योंकि वो अधिकारी बनना आपका काम है, आप वहाँ बन गए, उतनी रिस्पेक्ट और इज्जत यहाँ पर भी है, ठीक है, ये प्योन है तो उसका अपना काम है। अब आपको बोला प्योन की भी आप मेरा काम कर लो, कर सकते हो? मुश्किल है, ठीक है, और आप प्योन आपका काम नहीं कर सकता, तो दोनों का वर्क अलग अलग है, ठीक। आप दोनों एक दूसरे की कंडीशन को समझ सकते हो, लेकिन उसमें ढाल नहीं सकते, उसको पूरी तरह से अपना नहीं सकते, समस्या को समझ के उसका समाधान निकाल सकते हो, ठीक है। और समस्या समाधान कब होगा? जब अधिकारी और कर्मचारी वर्ग दोनों में एक अच्छा व्यवहारिक संबंध स्थापित होगा, और कर्मचारी अपनी समस्याओं को अधिकारी को बता पाएगा, और बता कब पाएगा, जब कर्मचारी के दिमाग में बात होगी कि उसका बॉस उसकी हर बात को समझ सकता है, सुन सकता है, और उस पर अच्छे फैसले ले सकता है, ठीक है, तब वो बताएगा। अगर उसको दिख रहा होगा उसका बॉस यार सुनता ही नहीं है, बहुत खड़ूस टाइप का आदमी है, ठीक है, किसी प्रकार कोई साथ नहीं देगा, ऊपर से समस्या बताने जाओ तो डांट देगा कि तुम्हारी हमेशा समस्या चलती रहती है, तुम्हारी लाइफ है क्या है, तुम समस्या में जीते रहते हो, तुम मर जाओ फलाना। तो क्या सोचेगा कर्मचारी कि यार बेकार में मुझे उल्टा सीधा कहेगा, चार बातें बोले कोसेगा, इससे अच्छा क्या करता हूँ छोड़ देता हूँ, रह देता हूँ, समझाता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, गैप पैदा हो जाएगा। अगर ये गैप पैदा हो गया तो इस गैप में क्या होगा, कल को जो कर्मचारी है उसको बोलेगा कोई बंदा एक काम करो 50,000 रुपये दे रहा हूँ, ब्रेक फेल कर गाड़ी से कूद जाना, तुम्हारा बॉस निपट गया। कर्मचारी क्या करेगा, ठीक है 50 कर दूँ 40 दे मैं कर दूंगा, वो गाड़ी के ब्रेक फेलेगा, गाड़ी से कूद जाएगा, निपट गया बॉस, निपटना गया तो कम से कम हाथ पैर तो अच्छे से टूटे गए, 6 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी हो सकता है बंदा, ठीक।
या कल को खाने में जहर मिला दिया भाई, कर्मचारी खाने में जहर मिला सकता है, तो क्या होगा? हालांकि उसका बाद में कर्मचारी का जो होगा, पुलिस केस, जेल वेल, फांसी वांसी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपकी जिंदगी तो निपटा दी उसने। क्यों निपटाई? आपके अच्छे और बुरे व्यवहार की वजह से, ठीक है। संबंध किसी के साथ आपके स्थापित होते हैं तो अच्छे और बुरे व्यवहार की वजह से, और जहाँ मधुर मानवीय संबंधों का विकास होता है वहीं अपवर्ड कम्युनिकेशन बन पाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि अपवर्ड कम्युनिकेशन की वजह से, यानी कि ऊपरमुखी संचार की वजह से ही अच्छे और मानवीय मधुर संबंधों का विकास होता है और ये अवधारणा उत्पन्न होती है, ठीक। तो इसका अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। और देखिए, ये जो संदर्भ में समझा रहा हूँ, मैं बार बार अधिकारी और कर्मचारी का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको आप किसी भी उसमें देख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत बड़ा सा मैंने एक स्माइल बनाया है, स्माइल का चेहरा, ये फैमिली मेंबर खुश है, किसी का भी मेंबर हो सकता है। और इसके बाद मगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, ठीक, ये देखिए दोनों में कितना फ़र्क है, एक खुश है एक उदास है। उदासी और खुशी की वजह क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन का गैप होना, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। अब देखिए, मान लीजिए कि उतना कि हस्बैंड वाइफ का किसी बात पर झगड़ा हो रहा है एक परिवार में, या फिर दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है, दो भाइयों का ले लेते हैं, दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है, किस बात पर हो रहा है? छोटी सी बात पर नोकझोंक हो गई, ठीक। वो बोला मैं बड़ा हूँ, वो बोला तू छोटा है। अच्छा, छोटा बड़ा को लेकर नोकझोंक हो गई, झगड़ा हो गया, एक उदास हो गया एक खुश हो गया। अब क्या हुआ, कल को कोई बोलेगा घर वाला, नहीं है मेरे को बात नहीं करनी, वो मेरी बात समझता नहीं, सुनता नहीं है। ये बोलेगा अरे जाने दो, मैं ऐसे खुश हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप बन गया, लंबा चल सकता है। अब जब ये अपनी बातों को अच्छे से समझ लेंगे, समस्या को बता देंगे आपस में, तब क्या होगा, ये एक दूसरे की समस्याओं में जो दीवार बनी हुई इनके बीच में, वो दीवार हट जाएगी, ठीक है। जब ये आपकी दीवार निकाल दे वाली, समस्या को बता दिया उन्होंने, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान किया, छोटे बड़े की बात यहाँ भी अपर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दिख रहा है आपको। कैसे? ये छोटा हो सकता है, मान लीजिए इसको हम छोटा कर लेते, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। उदास है, छोटे ने अपनी बात बताई बड़े को, बड़े ने कहा हाँ यार तेरी बात तो सही है, तेरे साथ ये समस्या है, ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा। तो क्या हो गया, साथ देगा तो चेहरा बदल दो, बड़ी सी स्माइल आ गई, मजे आ गए भाई, ठीक है, खुश हो गया बंदा, उसको लगा कि भाई ठीक है मेरा भाई मेरा साथ देगा, बड़ा भाई है मेरे साथ में, जो होगा देख लूँगा, दुनिया से लड़ लूँगा अब तो मैं, ठीक। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लाभ है किसका, अपवर्ड कम्युनिकेशन का, कि अगर आप, यानी कि नीचे स्तर का बंदा, नीचे को हम यहाँ क्या कहेंगे, कर्मचारी वर्ग का बंदा, कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति ऊपर देंगे अधिकारी वर्ग के व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराएगा, करवाएगा, तब क्या होगा, तब उसको सही जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। तो ये था इसका एक पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। देखिए, शिकायतों को दूर करना तथा रचनात्मक सुझाव प्राप्त करना, कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, तो उस काम को होने में पहली बात तो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो आधिकारिक वर्ग है वो क्या करेगा, कर्मचारी वर्ग को कार्य देगा, कर्मचारी वर्ग को इन्हें कार्य दे दिया, ठीक। अब कार्य को देने से पहले सोचिए कि कर्मचारी वर्ग ने उस कार्य की सूचना नहीं दी कि कार्य सर ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, इसमें ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक लिस्ट टाइप की बना करके देनी चाहिए उसको। देखिए, आधिकारिक वर्ग जो है वो कर्मचारी वर्ग को कुछ काम दे रहा है, ठीक है, और कर्मचारी वर्ग उसको सूचना उपलब्ध करा रहा है उस काम के बारे में, ठीक। अब कर्मचारी वर्ग क्या करेगा, सूचना विभिन्न प्रकार से, ठीक है, विभिन्न प्रकार से देगा, एक लिस्ट बना देगा कि भाई ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, नंबर 1 2 3 करके ऐसे विभिन्न प्रकार की वो लिस्ट बना देगा। तब क्या होगा,
एक रचनात्मक सुझाव प्राप्त होगा, ठीक है, किसको प्राप्त होगा, आधिकारिक वर्ग को। अधिकारी वर्ग को जब रचनात्मक सुझाव प्राप्त होगा तो जो कर्मचारी की शिकायतें हैं वो उनको भी दूर कर पाएगा, और कर्मचारी को शिकायतों को दूर करने के लिए उसे क्या करना होगा, अधिकारी को कर्मचारी से कम्युनिकेट करना होगा। जब तक कर्मचारी से कम्युनिकेट नहीं करेगा वो शिकायतों को दूर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन में ही है, ये उसका चौथा लाभ हो गया कि शिकायतों को दूर करना और रचनात्मक सुझाव को प्राप्त करना। बिना शिकायतों को दूर करे, मान लीजिए कर्मचारी वर्ग की कोई शिकायत है, ठीक है, और उनको दूर नहीं कर रहा, जो अधिकारी वो दूर नहीं कर रहा, और वो उम्मीद कर रहा है उससे कि वो एक सुझाव दे अपने, वो कहते हैं ना सुझाव दो, ठीक, एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, फिर बॉक्स बना दिया, इस पर लिखते ना सुझाव पेटी का, सुझाव पेटी, ठीक है, लिख दिया कि कृपया अपने सुझाव इस बॉक्स में डालें, बना दिया बॉक्स। अब क्या हो गया, कर्मचारी वर्ग जो है अगर वो अधिकारी वर्ग से डरेगा तो क्या सुझाव दे पाएगा अपने यहाँ पर, क्योंकि वो नाम वाम लिख के देगा, नहीं भी देगा तो बोलेगा अच्छा किसने सुझाव, अच्छा जी ये बात है, तो ये चल रहा है ऑफिस में, इतने बड़े हो गए हमारी बात गलत साबित करोगे, तो क्या होगा इससे, एक सुझाव जो मांग रहा था वो रचनात्मक सुझाव नहीं मिलेगा और शिकायत तो दूर होगी ही नहीं, ठीक। तो इससे सबसे अच्छा लाभ क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन से, कि जो कर्मचारी वर्ग है उसका जब कम्युनिकेशन कर लेगा अधिकारी, ठीक है, तब क्या होगा, ये ऑफिसर की बात को जो इम्प्लॉई है वो समझ पाएंगे, और समझने के बाद रचनात्मक सुझाव दे पाएंगे कि हाँ हमारी कंपनी में इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बॉस का तो ये होना चाहिए और ऐसे कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये जो लाभ के प्रोसेस पूरे हो पाएंगे। तो ये एक फोर्थ स्टेज थी जो एडवांटेज थे अपवर्ड कम्युनिकेशन के। अब इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें जो इसके डिसएडवांटेज हैं या फिर इसकी जो और चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट्स उनको डिस्कस करेंगे, जैसे लिमिटेशन क्या है, सीमाएँ क्या है इसकी, वो डिस्कस करते हैं इसके बाद में, ठीक है।